अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हम तौरी और आलू की मसाले वाली सब्ज़ी। तो तौरी मैंने इस तरह से काट लिए और आलू दो तीन प्याज लिए मैंने, हमने इस तरह से काट लिए। देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सब्जी को बनाएंगे हम कुकर में झटपट। तो इसके लिए ले लिया हमने ऑयल, सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हमें एक चम्मच जीरा, एक कटी हुई प्याज, इसको भून लेंगे। प्याज हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच, दो मिनट के लिए लहसुन अदरक भी हमने भून लिया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च, छोटा चम्मच हल्दी, धनिया, इसको अच्छे से मिला देंगे। मैंने लिए दो टमाटर, मैंने इस तरह से काट लिया। ये बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी, आप भी बना के ज़रूर देखें एक बार। बस अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे तौरी और आलू। मसाले में अच्छे से भून लेंगे, इसमें डालेंगे हम एक कप छोटा कप पानी। बस पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब्जी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो बस कुकर का ढक्कन लगा देंगे, इसको लगा देंगे कुकर का ढक्कन, बस एक सीटी आए तक फिर गैस बंद कर देंगे। सब्जी हो चुकी है, गैस भी निकल चुकी है, अब देख लेते हैं। ये देखिए कम मसालों हमारी बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार है। पानी भी हमने बिल्कुल ज़रा सा डाला था, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप भी बना के ज़रूर ट्राई करिए। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।